या टीचर, होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे ट्रैकिंग, हम उस सीन को ट्रैकिंग करने वाले हैं जो आपने स्टार्टिंग में देखा है। मैं होप करता हूँ आपको वो अच्छा लगा होगा। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने इस सीन को कैसे क्रिएट करा था, और ये मेरे पास उसकी फुटेज पड़ी है, और फुटेज को मैंने इमेज सीक्वेंस में निकाल के रखा था। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, आफ्टर इफेक्ट खोलेंगे अपना। हाँ जी, तो ये हमारा आफ्टर इफेक्ट खुल चुका है अभी, और यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, और प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर हम अपनी ये इमेज सीक्वेंस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद इसकी कॉम बनाएंगे। कॉम बनाने के बाद अभी हमारा ये यहाँ पे ट्रैकर है, और हम अपनी सीक्वेंस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं ट्रैक कैमरा, और ये हमारा ट्रैकर हो चुका है। तो मैं इसके अंदर क्या करेंगे, हम मोस्टली फ्लैट सीन के अंदर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मोस्टली फ्लैट सीन के बाद हम यहाँ पे ये पूरे के पूरे जितने ट्रैकर हैं, जितने भी हो सकते हैं, आप सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कर दो क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा। और ये हमारी सॉलिड यहाँ पे लग चुकी है, और उसके बाद हम यस, और एक बार इसको प्ले करके देखते हैं हम। तो हाँ जी, ये हम अगर हम अभी चेक करें तो ये प्रॉपरली मैच हो चुका है। और अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सॉलिड और कैमरे को सिलेक्ट करेंगे, और फाइल के अंदर जाएंगे, और जाने के बाद स्क्रिप्ट, और यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे हमारे यहाँ पे, कर देंगे हम ऑन माई हैंड के नाम से सेव, और इसके बाद अभी कर देंगे हम आफ्टर इफेक्ट को बंद। ये हमारा ब्लेंडर खुल चुका है, और अभी हम जाने वाले हैं फाइल के अंदर, और इंपोर्ट, और आफ्टर इफेक्ट के अंदर, और यहाँ से हम फोन ऑन माई हैंड वाला फाइल को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं। इंपोर्ट करने के बाद ये हमारा कैमरा आ चुका है, और यहाँ पे जीरो प्रेस करने पे हम अपने कैमरा व्यू में चले जाएंगे, और यहाँ पर हम अपना पहले स्क्रीन कास्ट ऑन कर लेते हैं, और उसके बाद अभी हम कैमरे में जाने वाले हैं, और उसके बाद बैकग्राउंड इमेज, और उसके बाद ऐड इमेज, और ओपन। और यहाँ पे रेफरेंस के अंदर जो हमारी इमेज सीक्वेंस पड़ी है, ये प्रेस करने से हमारी और सिलेक्ट हो जाएगी, और इसको ओपन इमेज कर देंगे, जिससे ये हमारे कैमरे के अंदर आ जाएगी। और अभी ये कैमरा हमारा वर्टिकली रखा हुआ है, जो कि मैंने डिफॉल्ट रखा है करके मैंने इसको, और अभी हम इसको हॉरिजॉन्टली कर देंगे। हॉरिजॉन्टली करने के बाद ये सीन हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और उसके बाद हम प्रेस ए, जिससे हमारा ये पूरा का पूरा की फ्रेम सिलेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद हम एक नंबर एक फ्रेम आगे की तरफ ट्रैक करने वाले हैं इसको। अभी हम जा अपना सीन को रेडी करते हैं, और ये इसको हम जो पूरी हमारे फ़ोन की स्क्रीन है, हम उसके ऊपर मर्ज कर देते हैं इसको, उसके हिसाब से इसको सेट करते हैं, और ये यहाँ पर, और इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम इसको ना पूरा फ़ोन की स्क्रीन को इसके साथ कवर कर देते हैं, और जो ये जिससे ये हमारा ये वाइट पोर्शन जो हमने ट्रैकिंग वाला लगा रखा है, ये ना दिखाई दे, और हमें कोई दिक्कत भी ना आए। यस, ये देखो, और अभी हम क्या करने वाले हैं कि यहां पर ये दोनों को चारों वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी करेंगे, जिससे कि हम बेवल करेंगे इसको, और ये प्रॉपरली सही से नहीं हो रहा, ये बहुत ही अजीब तरीके से हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, कंट्रोल ए, और यहाँ पे ऑल ट्रांजिशन कर देंगे, जिससे ये रीसेट हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट टू ओरिजिन कर देंगे इसको। और उससे पहले हम क्या करेंगे, शिफ्ट एस, और यहाँ पर एक एम्प्टी लेते हैं। एम्प्टी लेने के बाद पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और इनको
सिलेक्ट करने के बाद हम ये एम्प्टी के साथ अपना ये सारे की सारी चीजें अलाइन कर देंगे। अलाइन करने के बाद अभी हम पहले क्या करते हैं, इसको सेव कर सेट करते हैं, सीधा करते हैं, जिससे हमारे सीन में हमें दिक्कत ना आए कोई भी, क्योंकि अगर वो टेढ़ा रहेगा तो उसमें हमें सीन को सेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सीधा कर लेंगे, जिससे हम अगर कोई भी चीज़ रखेंगे इसके साथ तो वो प्रॉपरली सेट हो जाए। हाँ जी, तो इतना बहुत है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये हमारा प्रॉब्लम आ रही थी ना इसके अंदर, तो इसको सेट करने वाले हैं हम। और ये हम यहाँ पर इसको डिलीट करने के बाद कुछ इस तरीके से तो ये हमारा यहाँ पर ये आ चुका है। और हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बेवल डालेंगे। बेवल डालने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके सब डिवाइड बढ़ा देंगे। और बढ़ाने के बाद हम सेकंड स्क्रीन खोलते हैं और वहां से हम इसको सेट करते हैं इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर हमारी। ये देखो, और इसको लेफ्ट की तरफ और इसको राइट की तरफ। और ये वाली स्क्रीन थोड़ी सी और नीचे जाएगी यहाँ पर, और ये वाली भी थोड़ी सी और। अभी यहाँ पे हमारा ये सीन यहाँ तक रेडी हो गया है और हमने ये ट्रैकिंग ऑलमोस्ट डन ही है। और अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कार ऐड करने वाले हैं, और वो कार होगी यहाँ पे हम हमारी ब्लेंडर किट के अंदर से निकालेंगे, यहाँ पे फ्री एसिड, और उसके बाद कार सर्च करते हैं। ये देखो, मुझे ये वाली वाइट वाली कार बहुत अच्छी लग रही है। तो हम क्या करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड करने के बाद हम इसको स्केल अप करते हैं, और ये गलत स्केल कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको स्केल करते हैं। और स्केल करने के बाद हम यहाँ पे अगर चेक करें तो ये प्रॉपरली हमारी स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट हो चुकी है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और यहाँ पर रख देते हैं इसको। और इसको रखने के बाद अगर हम अभी चेक करें कि हमारा सीन, यस देखो कितने अच्छे से ये अलाइन हो चुका है यहाँ पे। और अभी एक चीज और रह गई है, जो कि हमें यहाँ पे अपना नाम ऐड करेंगे, या हम इस गाड़ी का नाम भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे आपका मन करे वैसे हम ऐड कर सकते हैं। और अभी हम क्या करें, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करते हैं। टेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AGN 3D artist। और इसको हम थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देंगे, थोड़ा सा एक्सट्रूड करने के बाद ये आ गया है हमारे सेंटर के अंदर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना थोड़ी सी ऑफसेट
और ये डेप्थ वगैरह देंगी जिससे थोड़ा सा ना बढ़िया दिखे, और इसको अभी हम थोड़ा सा और स्केल डाउन कर देते हैं, स्केल डाउन कर देते हैं। स्केल डाउन करने के बाद अभी हमने अपनी फाइल को सेव भी नहीं करा है, तो हम एक पहले हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं। यहाँ पे ले देते हैं फोन ऑन माई हैंड के नाम पे फाइल सेव कर लेते हैं। और फाइल सेव करने के बाद अभी हम करेंगे हमारे सीन के अंदर लाइटिंग। और पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ रेंडरिंग के अंदर। रेंडर के अंदर जाने के बाद इसको साइकिल इंजन में चेंज कर लेते हैं, और सीपीयू की जगह जीपीयू, और यहाँ पे डी नॉइस, और यहाँ पे सैंपल हम कुछ 128 कर लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे जाने वाले हैं, और यहाँ पे जाने के बाद वर्ल्ड में, और यहाँ पर कंट्रोल टी, और यहाँ पर हम कंट्रोल वी, और ये वाली लाइट आया मेरे पास, ये स्टूडियो लाइट है। और इस लाइट को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम इसके ऊपर, और इंपोर्ट करने के बाद हम इसका कुछ 0.8 कर देते हैं इसको। और उसके बाद अभी यहाँ तक नहीं, इसको कंट्रोल डी करो। कंट्रोल डी करने के बाद इसको अभी बंद कर दो। यहाँ पे ओपन में जाओ। ओपन में जाने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश के अंदर जो हमने इमेज सीक्वेंस ली है पीछे हमारे कैमरे के अंदर, तो हमने क्या करा है, जो हमारी ये लाइट थी ना, सॉरी, जो हमारी ये इमेज सीक्वेंस थी, हमने इसी को इसको भी एक एज ए एच डी आई यूज करा है, तो हमने इसके साथ इसको अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद हम इसको मिक्स की जगह मल्टी कर देंगे, और मल्टी करने के बाद हम यहाँ पे इसको अभी मैनुअली सेट करेंगे, और ये हमारा कुछ सीन है जो बढ़िया सा बनाएंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, शिफ्ट एक लाइट लेते हैं, पॉइंट लाइट लेंगे साइड में, और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके रखेंगे। और इसके बाद हमारा इसको तो जिससे इसकी हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और इसकी रेडियस बढ़ा देंगे, और रेडियस बढ़ाने के बाद शिफ्ट डी इसको इस तरफ, और ये जो हमारी नीचे शेडर था प्लेन लिया था हमने स्क्रीन एज, इसको हम ब्लैक कर देंगे। और ब्लैक करने के बाद अभी ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको भी हम लाइट ब्राउन सा रखेंगे कुछ, कि ये बस दिखे। और अभी हम इसके नीचे ना, हम गाड़ी के नीचे शिफ्ट एस करके ना हम कर्सर टू सिलेक्ट, और यहाँ पे एक लाइट लगाएंगे, एरिया लाइट, और वो हम लगाने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ये और शिफ्ट वाई, हाँ जी, तो अभी हम इसकी यहाँ पर ये बढ़ा देंगे पावर। यस, तो ये कुछ हम 8000 कर देते हैं इसकी पावर को। और अभी हम क्या करेंगे, ये जो इसका नीचे का स्पेकुलर है इसको कम कर देंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा डार्कनेस और बढ़ा देते हैं इसकी। और उसके बाद हमारा ये ग्रेनेस है जो, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अभी हम इसको अगर इसकी लाइटिंग चेक करें, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इन दोनों को ही। पहले हम दोनों को एक साथ मर्ज कर देते हैं, मतलब कि अटैच कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एल, और यहाँ पर लिंक टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर अभी हमने इन दोनों की सेम टाइम पे लाइटिंग
वैल्यू चेंज करनी हो तो एक साथ ही चेंज हो जाएगी इसकी, हमें बार बार मैनुअली वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो हम इसको कर देते हैं 5000। 5000 करने के बाद हम इसमें ना थोड़ी सी इसकी ए बस इतनी ये वीडियो यहाँ तक ही। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।